अभी हम आज जा रहे हैं गांव के दूसरी साइड पे। हेलो माय लवली पीपल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई नो मैं इस व्लॉग के लिए थोड़ा लेट हूँ, एक्चुअली मैं बहुत लेट हूँ। अभी हमारे घर में आप जानते हैं कि भोज की तैयारी चल रही है और इसी बीच हमारा हवन वगैरह भी चल रहा है। ये देखो यहाँ से सीढ़ियाँ कितनी मस्त ऊपर जा रही हैं। हम लोग क्विकली सुबह ही तैयार हो गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग ना बहुत बड़े घुमक्कड़ हैं। और ये है मेरे चुन्नू मुन्नू जो मेरे साथ आए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ नीचे को भी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे गांव की दूसरी साइड है, जहां आपको खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं खेतों में हमारे गांव के लोग खेती वगैरह करते हैं। जिस व्लॉग में हम लोग खो गए थे वहां तो झाड़ियां ही झाड़ियां हो रखी थी, यहाँ पर खेत बिल्कुल साफ हैं। मैंने बताया था ना आपको कि वहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं। यहाँ से ऊपर भी घर दिखाई दे रहे हैं। क्या बताऊँ आपको कि उत्तराखंड में कैसी ठंड पड़ रही है। तो ये जो धूप है ना इतनी मस्त और इतनी बढ़िया लग रही है मुझे, आप समझ ही सकते होंगे। अगर आप पूछें कि हमारे गांव में इन खेतों में किन किन चीज़ों की खेती की जाती है, तो मैं बता दूं हमारे गांव में ज़्यादातर धान यानी कि गेहूं, तोर की दाल जो कि पहाड़ में बहुत ज़्यादा फेमस है, और चावल, इन सब की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। तोर की दाल खाने के लिए वहां हम लोग बहुत ज़्यादा तरस जाते हैं, क्योंकि ये दाल काफ़ी हेल्दी और इसीलिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। हाय स्वीट हार्ट्स, पहाड़ों की डिश में ये शामिल है, तो कभी खाकर आप लोग भी देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मैं आज बहुत खुश हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, और एज यूजुअल बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही हूँ। ये हमारे गांव का दूसरा आप धारा है, यानी कि यहाँ से भी पानी 24 आवर्स अपने आप बहता है। इसको गौमुख धारा भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाय का मुंह यहाँ पर बनाया गया है। खासियत यह है कि ये इतना मीठा होता है, नेचुरल है, नो आरो नो फारो कुछ भी कुछ नहीं, और साथ में हाँ बिल्कुल होता है मीठा पानी यहाँ का। तो देख नहीं रहा कि जब भी हम पानी पी रहे तो हमें मतलब घटिया नहीं लग रहा, अच्छा ही लग रहा है। ये जो है यहाँ पे, इसमें सर्दियों में जो है खूब गुनगुना पानी आता है सुबह के टाइम, बिल्कुल ऐसा जैसे गीजर लगाया हो है। और जो है गर्मियों में बढ़िया ठंडा पानी, मतलब इस टाइम पे जैसे अभी धूप हो रखी है तो बढ़िया अपने मुँह में ठंडा ठंडा पानी जाने को मिल रहा है। कंचन मज़ा आया फिर पी के, स्वादिष्ट पानी है। तो ऐसा सुख हमें प्राप्त हुआ है इन दिनों में। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको दूर से फोटोज में बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज में वो दिखाई देते हैं ना सीढ़ियों जैसे खेत, तो ये ऐसे दिखते हैं पास से, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
हर किसी को बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरे को भी मेरा गांव बहुत पसंद है। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये हमारे गांव का दूसरा मंदिर, भैरवनाथ जी का मंदिर है ये। आइए सबके दर्शन करते हैं। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर को चल रहे हैं। थोड़ा और देख के आते हैं यहाँ पे क्या क्या है। आई माई माई। यहाँ से ऐसे ऊपर और ये देखो हमारे ऊपर खेत ही खेत, पूरे खेत हैं और हमारा मंदिर है प्यारा सा शंकर जी का, हनुमान जी का। ये देखो बोलो हर हर महादेव। ये हम आपको दिखाएं, ये देखिए शिव जी हमारे विराजमान हैं। इस तरफ है श्री गणेश और ये हैं महादेव शिव शंभू। ऊपर काफी बड़ा भवन बनाया है इनका, ये सारे टाइल्स वाइल्स लगा के खूब अच्छा चमकाया है। और आइए हम हमारे साथ यहाँ पे है, यहाँ पे है बैल। किस घंटी को? इसको ऊपर लगा लो। क्यों क्यों नहीं बजा? चलता है अंदर, चलता है देख लो। ओ भाई रुक जा, मैं बजाने वाली थी पता है। मत करो बाहर निकलते हैं। सुंदर जो है मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ, इसलिए घंटी को बजाना इसका मतलब मौत को बुलावा देना। मौत को बुलावा था पर मौसी का काम हो गया था। और क्या नई चीज छूट चल गई थी, हाँ बना रखा ना इकट्ठा कर करके। यहाँ क्या है, टच कर लो, मैं मत। हाँ ऐसा है, मंदिर बनाया गया, मंदिर का पीछे का और सामने से। खेत की जानकारी देने के, हमारे कौन से खेत हैं, इसके लिए हमारे साथ बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी, हमारी मम्मी, ये सब ने आना है और वही हमें जो है हमारे खेतों से। अच्छा यहाँ पे देखो हल लगा रहे हैं, हे भगवान। तो ये हल लगा रहे हैं अपने बैलों के साथ। और जुम बोल लो, ये और यहाँ पे जैसे ना हमारे इधर मंदिर में जैसे चपकारे कूरे होते हैं, तो यहाँ पर इस पेड़ के नीचे पे काफ़ी सारी जगह है। ये देखो जहाँ पर हम जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बैठ के आप जो है चूल्हा उल्हा लगा के, थोड़ा प्लेन सा है एरिया। और यहाँ पे हाँ यही थी वो जगह, ये जो ये पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा ये जहाँ झाड़ियाँ रखी हैं ये पूरा कट रखा था उस दौरान। यार हम पहले भी तो आते थे। हाँ मुझे हाँ अब याद आ गया, हाँ ये था वो। तो यहाँ पे जो है चूल्हे उल्हे लगा के, हाँ यहाँ पे गुठलियाँ होती हैं खूब दबा के। आम का पेड़ है ये, अरे आम जो है ना ये अंदर काफी सारी झाड़ रखी है। देखो ये सब आम की गुठलियाँ हैं। तो ये काफी बड़ा आम का पेड़ है। हम जब भी पहले भी आते थे कोई बड़े बड़े फंक्शंस में, यहाँ पे चूल्हा लगा के मस्त रोटी वोटी सब कुछ बढ़िया बनता था। तो ये सामने है,
पीपल का और ये है आम का। ऐसा हमारे गांव का प्यारी सी जगह है। I'll be fucked up if you can be right। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम सब क्या कर रहे हैं, तो we took the advantage of the place and the moment और हम enjoy कर रहे हैं 2021 का एक ट्रेंड। अगर आपने ऐसी वीडियोस देखी हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हम अपनी जगह को बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे हैं और ये moments हम अपने साथ लेके जाने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है तो ज़रूर पूरी देखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। ये डांसिंग वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी दिख जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें।